हेलो फ्रेंड्स, हमारे भाई चैनल दिस इज सुभाष। चले देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी होने वाला है, एक हॉलीडे था और उससे पहले हम लोग का मुहूर्त ट्रेडिंग था, तो उसके अंदर हम लोग इन डिटेल्स में देखते हैं किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है। जनरली क्या होता है, मुहूर्त ट्रेडिंग या दिवाली टाइम के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट गैप अप खुलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक खरीदना पसंद करते हैं, तो नो डाउट उनको खरीद के लॉन्ग टर्म, तो मेनली लोग थोड़ा सा लार्ज कैप, जिन लोग को आइडिया नहीं है, लार्ज कैप खरीद के रखते हैं सो दैट मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करता है। उसके बाद जो मूव आता है वो डिसाइड करता है ट्रेंड किस तरीके से मूव हो सकता है। लेकिन ये दैट डजेंट मीन दैट कि नहीं, मार्केट अगर गैप अप खुल के ऊपर जा रहा था तो अभी नीचे की तरफ आएगा, इसका मतलब ये नहीं। हम लोग को प्रीवियस ट्रेंड थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करना है। फर्स्ट थिंग, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलिटिलिटी था मार्केट में, अगर हम लोग देखेंगे मार्केट नीचे गया, फिर सार अप मूव हुआ, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके यहाँ पे एक सपोर्ट बना है 43,400 से लेकर 500, एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से पुल बैक आया था। अभी मार्केट रुका कहाँ पे है, जहाँ से ये ब्रेकडाउन हुआ था लास्ट टाइम, प्रीवियस टाइम जहाँ से बाइंग सिनेरियो था, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था उसी रेंज के आसपास अभी ये वेट कर रहा है, विच इज अ गुड साइन, क्योंकि अगर ये लेवल पर वेट कर रहा है तो सेलर थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं। दैट मीन्स अभी फाइट चल रहा है, क्या ये मार्केट इसके नीचे आ जाएगा ये जोन पे, या फिर इसके ऊपर सस्टेन करेगा। तो करेंट अगर हम लोग देखेंगे 44,000 के ऊपर ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ गैप डाउन खोला, लेकिन क्लोजिंग बहुत अच्छा दिया है। अभी इंपॉर्टेंट स्पॉट कहाँ पे, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया है समवेयर अराउंड 43,891 के आसपास। अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं पे खुले, ये जोन पे खुले, तो इट्स ए पॉजिटिव साइन, क्योंकि जब भी आप अगर देखोगे यहाँ पे ये खुला, ऊपर खुला, पॉजिटिव साइन। यहाँ पे अगर देखेंगे जब भी ये गैप अप खुल रहा है, इट्स ए पॉजिटिव साइन फॉर मार्केट। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे खुले तो ये हम लोग के लिए पॉजिटिव साइन होने वाला है। वट इफ अगर ये गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलता है तो हम लोग को 15 मिनट चार्ट्स में इन डिटेल्स में देखना पड़ेगा कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। डेली चार्ट्स के अंदर देयर इज नो साइन ऑफ नेगेटिविटी या फिर सेलिंग का साइन अभी है नहीं, लेकिन हाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग को थोड़ा सा 15 मिनट चार्ट्स में इन डिटेल्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अभी अगर हम लोग देखें, एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, साफ ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन में ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट गैप डाउन, मतलब इन द सेंस जहाँ पे हम लोगों का मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था वहाँ पे गैप अप खुला बहुत ऊपर, उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद अगर हम लोग देखें 43,900 के नीचे गैप डाउन खुला, इमीडिएटली 43,700 प्रीवियस स्विंग के आसपास आया और यहाँ पे सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद ये अच्छा खासा रिकवर किया है। वेरेज निफ्टी अगर देखेंगे इतना अच्छा रिकवर नहीं किया जितना बैंक निफ्टी रिकवर किया है, तो बैंक निफ्टी बहुत स्टीपली मूव कर रहा है, एक अच्छे लेवल पर ये मूव कर रहा है। अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 750 से लेकर 700, ये डाउनसाइड के लिए हम लोगों के लिए नेगेटिव साइड है। हम लोगों ने डिसाइड किया था डेली चार्ट्स के अंदर, क्योंकि ये जोन पे अगर खुला इट्स ए पॉजिटिव साइन। अगर इमेजिन करो 950 के आसपास कहीं पे खुले, 900 इसी लेवल के आसपास खुले, दिस द बेस्ट प्लेस, क्योंकि यहाँ से अगर ये फिर 950 या फिर 4400 टच करता है, इतने लोग सेल किए होंगे, उन लोग का स्टॉप लॉस बीट होगा और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा कॉल ऑप्शन प्लान कर सकते हैं, दैट इज नियर टू 11 बजे 12 बजे के आसपास, क्योंकि मॉर्निंग आवर के अंदर यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि निफ्टी जब ऊपर जाएगा रेजिस्टेंस हिट करेगा, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है जहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो ये सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। हम लोग को 10, 10:30, 11 तक वेट करना पड़े, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है 44,000 बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। दैट मीन्स इस जोन के आसपास बना रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 41,100, 150 ये सारे टारगेट के लिए एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। दैट मीन 50-60 पॉइंट ऊपर खुले या नीचे खुले, ये जोन हम लोग के लिए बाइंग के लिए साइड होने वाला है। अगर इमेजिन करो ये गैप डाउन खुल रहा है नियर अबाउट 100 से 150 पॉइंट, 800 से लेकर 750 ये जोन पे खुल रहा है, इट्स ए इंटरेस्टिंग जोन, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से स्विंग बना के ऊपर गया था और लास्ट टाइम प्रीवियस टाइम यहाँ पे एक सपोर्ट था। आप अगर देखे होंगे ये प्रीवियस टाइम सपोर्ट में हमेशा अप ट्रेंड में है मार्केट, प्रीवियस सपोर्ट में वेट करके निकल जा रहा है, यहां पे सपोर्ट में गैप डाउन खुला निकल गया। अगर मार्केट ये सपोर्ट में मिलता है तो हम लोग को बस वेट करना है, क्या ये सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है या फिर ये सपोर्ट को फिर से रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर रेस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ भले जाए, हम लोग एग्रेसिव और बाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे जो क्लोजिंग प्राइस होगा प्रीवियस डे का, ये फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट इसी बीच में रह जाएगा, ऑप्शन सेलर का डे हो जाएगा, फिर हम लोग को बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है बहुत अच्छा जब ये 50-60 पॉइंट ऊपर या 100 रुपए के अंदर कहीं पे खुले,
44,000 के नीचे खुलना चाहिए। ऊपर खुला तो राउंड लेवल के आसपास खुलेगा तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा 44,000 के नीचे कहीं पे मिलना चाहिए या फिर 50-60 पॉइंट नीचे चलेगा। यह हम लोग के लिए बेस्ट होगा 11-12 बजे के बाद जब ब्रेकआउट दे रहा होगा तब हम लोग प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर ये मार्केट यहाँ पे खुला एंड 44,700 बहुत टाइम तक वेट किया एंड सेकेंड हाफ के अंदर हम लोग को दिख रहा है यहाँ से एक ब्रेकडाउन होते हुए, इस तरीके का कुछ कैंडल मिले या फिर ब्रेकडाउन होते हुए दिखे, सेकेंड आपके अंदर ब्रेकडाउन मिल रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए गैप डाउन खुला, वेट किया कुछ टाइम उसके बाद ब्रेकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये सपोर्ट है, प्रीवियस टाइम का सपोर्ट है, थोड़ा देर रेस्पेक्ट किया फिर नीचे की तरफ आ रहा है 43,700 के आसपास अगर ये आ रहा है तब हम लोग को एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, विच इज कम्स डाउन टू 43,500 क्योंकि लास्ट टाइम भी जब ये आया था 43,500 टच नहीं किया था, 43,500 जब ये ब्रेक किया बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, 500 के आसपास सेलिंग भी बहुत अच्छा खासा हो रहा है तो ये लेवल क्रूशियल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है एंड 500 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कब? जब मार्केट गैप डाउन खुला एंड उसके बाद इसी जोन क्या 750 800 850 फिर इसके बाद इसी जोन के आसपास बना रहा फिर सेकंड हाफ के आसपास कहीं पे ब्रेकडाउन करे तो मैं कल अगर इंटरेस्टेड रहूंगा कुछ बाइंग करने के लिए दैट टू सेकंड हाफ के अंदर इधर थोड़ा सा गैप डाउन खुले और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे या फिर फ्लैट और गैप अप खुले और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ये दोनों ही केस के अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट बीच में कहीं पे ओपन हो रहा है तो फिर हो सकता है चांसेस है ऑप्शन सेलर का डे हो जाए, फिर यहाँ पे हम लोग को ना इधर से बाइंग ना सेलिंग देखने मिले, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से प्लान करना क्योंकि जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है मनी मैनेजमेंट इज अ की, क्योंकि आपको सेलिंग की तरफ भी प्रॉफिट गया होगा फिर बाइंग की तरफ भी प्रॉफिट मिल रहा है, यहां पे सेलिंग की तरफ मार्केट आया फिर इमीडिएटली बाइंग की तरफ, तो दैट मींस कहीं ना कहीं मार्केट स्विंग बना रहा है कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में ना, मतलब अप ट्रेंड में तो जा रहा है डेली चार्ट में लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं पहले सेलिंग आ रहा है। आप हर एक कैंडल अगर हर एक दिन देखोगे मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है तो सेलिंग के लिए आ जाता है, मार्केट अगर सपोर्ट लेवल पे आता है तो बाइंग के लिए आ जाता है, तो यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा बहुत सारे लोगों को ट्रेड करने के लिए। गैप अप खुला मार्केट नीचे की तरफ आ गया, यहां पे गैप डाउन खुला इमीडिएटली रिकवर किया, फिर से थोड़ा सा यहां पे गैप डाउन खुला नीचे आया सपोर्ट रेजिस्टेंस करके हिट करके फिर ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। 700-750 ये जोन सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्लान करेंगे, दैट टू कि 11-12 बजे के बाद भी यहाँ ट्रेड कर रहा है और ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि आप अगर देखोगे फर्स्ट हाफ ट्रेड कर रहा है डाउन साइड फिर रिकवर हो रहा है, अगर फर्स्ट हाफ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और सेकंड हाफ में भी ब्रेकडाउन हो रहा है नीचे की तरफ दैट मीन्स इट्स ए ट्रेंड और ट्रेंड फिर कंटिन्यू हो जाएगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। अगर मॉर्निंग आवर के अंदर इस जोन के आसपास वेट किया और ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है फिर मूव कर जाएगा, तो दोनों ही केस के अंदर हम लोग प्लान कर सकते हैं, इधर ये गैप डाउन खुल के सेकंड हाफ में ब्रेक डाउन करे या फिर थोड़ा सा गैप अप खुल के फर्स्ट हाफ या फिर सेकंड हाफ के अंदर 950-400 ये ब्रेकआउट करे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, कल एक्सपायरी है, विल सी, हॉलीडे था, तो देखते हैं किस तरीके से कल ये ट्रेड होता है। निफ्टी अगर देखेंगे वेरेज गैप डाउन खुला उसके बाद एक पुल बैक आया और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे रिकवर कर गया समय अराउंड इस जोन के आसपास कहीं पे क्लोज दिया है, निफ्टी यहाँ पे मूव ही नहीं किया। अगर आप देखोगे जहां से ये ब्रेकडाउन हुआ था इतना बड़ा कैंडल इसी के आसपास कहीं पे इसके नीचे कहीं पे क्लोज दिया, इसका 40-50% करेक्शन होकर क्लोज दिया है, तो ये थोड़ा सा वरीड सिनेरियो है क्योंकि अगर निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो बैंक निफ्टी पे ड्रैग डाउन हो सकता है। एंड अगर इस जोन पे देखेंगे 400 से लेकर 480 ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, 490 अगर ये क्रॉस करता है फिर हम लोग को 520-540 ये सारे टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अगर इस जोन पे खुला फिर हम लोग 460-480 क्रॉस कर रहा है तब हम लोग फिर 500-520-540 ये सारे टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स कल अगर गैप अप या फ्लैट खुला तो इट्स इन बाइंग एरिया, अगर यहाँ पे गलती से स्विंग के नीचे खुलता है 19,420 विच इज 20 और 30 पॉइंट अवे अगर इस जोन पे खुलता है इट्स ए नेगेटिव सिनेरियो। प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे था 19,360 के आसपास, उसके बाद 340, अगर ये 360-340 होल्ड नहीं करता है तो बड़ा टारगेट आ सकता है दैट टू के नए 200-240 क्योंकि ये सारे जोन बहुत बार मार्केट ने रिटेस्ट किया है और होल्ड किया है। आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया इंट्राडे के अंदर सपोर्ट लिया, सेकंड डे फिर से ट्राई किया सपोर्ट लिया, थर्ड टाइम फिर से ट्राई किया सपोर्ट लिया, अगर ये प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है दैट मीन्स बायर ये लेवल को इंटरेस्टेड नहीं है 19,350 क्योंकि वीकली बेसिस में 3-4 बार ये लेवल आ चुका है दैट टू कि नहीं 550-540 टच करने के बाद 100-150 पॉइंट ऊपर जाने के बाद फिर से अगर ये बार बार रिटर्न आ रहा है तो ये ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं करेगा। गैप डाउन खुला 340 ये सारे लेवल क्रॉस किए तो हम लोग को बड़ा टारगेट मिल सकता है 240-250, ये थोड़ा सा वरिड सिनेरियो है ट्रेंड के लिए, कल थोड़ा सा सर्वाइव कर जाना चाहिए। यहाँ पे अगर
गैप अप खुला और बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला, सर्वाइव कर गया वेल एंड गुड, इस जोन के आसपास बाइंग अपनिंग आ सकता है। वैरेज अगर थोड़ा सा ये गैप डाउन खुला तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि नहीं ये ट्रेंड और कंटिन्यू करेगा और फिर आप हम लोग को दिख सकता है थोड़ा सा शार्प सेलिंग दिखेगा, एक या दो तीन दिन के अंदर शार्प सेलिंग दिखेगा, फिर मार्केट थोड़ा सा पॉज ले सकता है। तो कहीं ना कहीं 340-360 बहुत क्रूशियल लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए। तो इंपॉर्टेंट ये कि कल कहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ तो 340-360 हम लोग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्लोजिंग इस लेवल के आसपास कहीं पे होता है तो फिर टारगेट आ जाएगा 240 के आसपास। तो कल गैप अप खुल जाए या फिर थोड़ा सा फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा चलेगा, 40-50 रुपए गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव पॉसिबल हो सकता है जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो चलिए थोड़ा सा फिन निफ्टी भी देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी अगर आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी को छोड़कर निफ्टी और फिन निफ्टी कहीं रिकवर नहीं किया, विच इज वरीड सिनेरियो, क्योंकि निफ्टी रिकवर कर जाना चाहिए था। बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छा मूव था तो अच्छा रिकवर किया है, समय अराउंड इजोन के आसपास कहीं पे क्लोज किया है। अगर हम लोग देखेंगे फिर निफ्टी बड़े कैंडल्स बनाए, उसके बाद ये ट्राई किया रिकवर करने के लिए लेकिन फेल टू रिकवर और मिडिल पे कहीं पे क्लोज दिया है। पॉजिटिविटी कहाँ आएगा, इस जोन के ऊपर कहीं पे अगर ओपन होता है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कशन किए, गैप अप खुलता है, इट्स ए पॉजिटिव सिनेरियो। अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट बहुत टाइम तक अपने आप को होल्ड करने का कोशिश किया है, जब भी मार्केट नीचे आया है रिकवर हो गया। आप अगर देखोगे ये गैप फिल हुआ रिकवर हो गया, जिस तरीके से हम प्लान करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे होता है गैप्स के आसपास, तो ये रिकवर हो गया। फिर से ये जोन पे रिकवर होना थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, मार्केट फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइन के लिए मार्केट को थोड़ा सा गैप अप खोलना पड़ेगा, तो हम लोग को 9-8 को पता चल जाएगा कल कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो एटलीस्ट एक हिंट मिल जाएगा, उस तरीके से हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो चला लाइक के साथ फिर सभी के लिए इतना ही, थैंक यू।